कैरी मिनोटी को आपने मास्क था उतारा, कैरी मिनोटी का मैंने वो वीडियो देखा, तो वो कहां से आपने पकड़ा था उसको, किस तरीके से वो हुआ था सारा? अभी जो कश्मीरी यूथ हो गया है वो थोड़ा कमजोर सा दिख रहा है मुझे। वजह क्या हो सकती है, आपने ऑब्जर्व किया? मुझे लगता है ये वजह डर है। किस चीज का हो सकता है? ये डर है, जैसे इन सबको बोला है सॉरी बुलवाने का, इनको बुलाऊंगा मैं। बुलाओगे आप? वो किस लिस्ट में कौन कौन है? जितने लोग मेरे बारे में बात की है, अभी इनके नाम नहीं लेता मैं, क्यों मालूम है? क्योंकि ये फेमस हो गए। अच्छा, तो जेल में भी आप गए थे, जिंदगी क्या देखो, रही है? वो तो इज्जो मन तो साहब, वो तो जिल्लो जिल्लो मन। मन। अच्छा, तो क्या है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब वो तुम्हें जेल में भी इज्जत दे रहा है, स्टैंडिंग ओवेशन, मुझे ताज्जुद की एक नमाज में उसने, मेरे अल्लाह ने मेरी ना, मुझे इस तरह से फंसाया गया था कि मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग माफिया दिखाया गया था। बिल्कुल। इसमें नहीं आता मजा, मुझे तब आता है जब इस्लाम पे कोई उंगली उठा रहा हो तो मैं सामने आके खड़ा हो जाऊं और कहूं कि ये हराम खोरो। अभी उन्होंने बहुत ऐसे रखे हैं मेरे जैसे जो बिस्मिल्ला बोल के बोलेंगे काट दो हमारी गर्दन। हाँ सर। अच्छा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बॉलीवुड के एक्टर, एक महान कलाकार एजाज खान साहब। आपने इन्हें बिग बॉस में भी देखा होगा और आजकल सुर्खियों में बड़े रहते हैं। एजाज खान साहब की एक बात है कि खुददार आदमी है, इनका जो गुस्सा होता है वो जेन्युइन होता है, काफ़ी लोग इनसे खुश भी नहीं होते, मगर इन्होंने जो साफ तौर पर एक बात कही थी कि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, आप अपनी मदद अपनी मेहनत से सब कुछ करते हैं। सबसे पहले एजाज साहब कश्मीर आए हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। एजाज साहब, आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से आप काम करते हैं, हमने आपको बिग बॉस में भी देखा, आपने एक आपकी एक अलग पर्सनैलिटी थी और हमेशा जेन्युइन पर्सनैलिटी आपकी रहती है, और उसके बाद आप पे कई सारे इल्ज़ाम भी आयद किए गए, कई सारी परेशानियाँ भी आई, तो कैसी चल रही है ओवरऑल ज़िंदगी आपकी? देखो, मैं एक चीज में मानता हूं जी कि अगर तुम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हो और तुम्हें यह पता है कि तुम्हें मरना है और तुम्हें उसके पास जाना है, फिर जो बीच की जो जिंदगी होती है ना, वो या तो तुम अखलाक से जी सकते हो या फिर तुम चोरी से जी सकते हो। मैं अखलाक से जीना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि मेरे जो आका थे उनका तो मतलब कुछ आ ही नहीं सकता मेरे अंदर, लेकिन उनकी अखलाक की एक वो अलग ही चले। हाँ, अखलाक से उन्होंने इस्लाम को बुलंद किया, परचम किया और फैलाया, ना कि तलवार की धार पे, ना कि बॉम्ब लगा के। बिल्कुल। तो ये जो लोग वर्ल्ड में, आज हमारी इतनी सारी कंट्रीज है, इतने सारे लोग हैं, उसके बाद भी अगर इस्लाम पे उंगली उठ रही है और मुसलमानों को पूरी दुनिया में जलील किया जा रहा है, तकलीफ हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, जब उनको गाय के नाम पे मार दिया जाता है, उनको मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया हिजाब जाता के है, नाम पर। हिजाब के नाम पे उनके हिजाब निकाले जा रहे हैं, और जितने बड़े मुसलमान हैं उनमें खौफे खुदा नहीं है, वो इनकम टैक्स से डर रहे हैं, पुलिस से डर रहे हैं, नेताओं से डर रहे हैं और गुंडों से डर रहे हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे ये लोग। अगर ये अल्लाह से डरते होते तो अब तक इनकी आधी प्रॉपर्टी पाकिस्तान जा चुकी होती और आधी पता नहीं कितनी जगहों पे जा चुकी होती, लेकिन ये लोग वो है जो ठीक से ज़कात तक नहीं देते। तो बेशक। मुसलमानों की मदद करना तो छोड़ो, इस्लाम में हमारे नबी ने इसलिए बड़े मुसलमानों को ये बताया गया था कि हर साल तुम्हारी कमाई का 2.5% हिस्सा ज़कात जाना ज़कात चाहिए। जाना चाहिए। तो आप यही बता दो कि खाली 50 या 100 मुसलमान मिलके 2.5% निकाले ना, सही, तो कोई मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, बेशक इक्वालिटी बन जाएगी। इक्वालिटी बनेगी और हमारी यूनिवर्सिटीज होगी, हमारी स्कूल्स होगी, हमारे हॉस्पिटल्स होंगे, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आगे पढ़ सकते हैं, जो हमारे नबी ने किया। बेशक। तो एजाज साहब, आपसे ये भी जानेंगे, जिस तरीके से आपका एक रवैया रहता है, बोलने का तरीका रहता है, तो बहुत अलग रहता है सबसे, और आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। हमने ओवरऑल देखा, जब भी आपके शोज़ वगैरह होते थे तो आप किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे, सर आंखों में आंखें डाल कर बात करते थे, तो कई सारे आपके दुश्मन भी थे, कुछ आप ढूंढ भी रहे थे कुछ लोगों को, वो मिले नहीं। अरे ऐसे कुत्ते कई मेरे पीछे भौंकते रहते हैं, कोई असली शेर होगा तो कभी मिलेगा, सामना होगा उससे। कुत्ते तो क्या है कि काम ही उनका भौंकना है, ये तो वो कुत्ते जो काट भी नहीं सकते, खाली भौंकने वाले कुत्ते।
इनकी परवाह नहीं है मुझे। कैरी मिनोटी को आपने उसका जो मास्क था उतारा था, कैरी मिनोटी का मैंने वो वीडियो देखा, तो वो कहां से आपने पकड़ा था उसको, किस तरीके से वो हुआ था सारा? कुछ नहीं, वो मिल गया, हमने देखो हमारे बेटे से वादा किया था, हमने खुद से वादा किया था, जैसे इन सबको बोला है सॉरी बुलवाने का, इनको बुलाऊंगा मैं। बुलाओगे आप? लिस्ट में कौन कौन है, जितने लोग मेरे बारे में बात की है? अभी इनके नाम नहीं लेता मैं, क्यों मालूम है? क्योंकि ये फेमस हो गए। अच्छा। इनको काला कुत्ता नहीं जानता था। जब इन्होंने मेरा नाम लेना शुरू किया, मुझे रोस्ट करना शुरू किया, तो ये फेमस हो गए। बिल्कुल। वरना तुम बताओ कश्मीर में पूरब झा का नाम किसी ने सुना था? नहीं। लेकिन एजाज खान को कौन रोस्ट कर रहा है वो सोच के कश्मीरी लड़के ये वीडियो देखे, क्योंकि मुझसे मोहब्बत करने वाले सब जाबाज लड़के हैं, जो कौम के लिए रखते हैं, मर सकते हैं, कौम के लिए मिट सकते हैं, जो जंगू कौम के बेटे हैं वो मेरे फैंस हैं। मैं बुजदिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डरने वाले लोग हैं गोलियों से या बंदूकों से या लाठियों से या मरने से, वो मेरे फैंस नहीं हो सकते। आप कभी अपनी उस लेवल से पीछे नहीं हटे, आप पे कई सारे जो है वो परेशानियां भी आपने देखी, मगर आपका स्टैंडर्ड अभी भी वही है, आपकी छवि वही है, आपकी जिस तरीके से बिहेवियर है अभी भी वही है, तो हमेशा आप एक ही स्टैंड लिए बैठे हैं, तो जेल में भी आप गए थे, जिंदगी क्या रही है? वो तो इज्जत साहब, वो जिल्लत, तो क्या है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। जब वो तुम्हें जेल में भी इज्जत दे रहा है, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे, बड़े बड़े गैंगस्टर बोल रहे कि भाई तुम अल्लाह की राह पे आए हो, हमें पता है तुम्हें फंसाया गया है, तो ये अल्लाह डालता है लोगों के दिलों में, हमारी औकात नहीं है। और जिल्लत जब अल्लाह देता है तो फिर ऐसी देता है। आज देखो ना, कौन जेल जाके आता है और इंटरव्यू लेने आता है? कोई नहीं आता है सर। पूरे कश्मीरी लड़के लड़कियां पागल हो रहे, मोहब्बत दे रहे, माँ बाप मोहब्बत दे रहे, सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग लोग मुझे प्यार कर रहे हैं कि यार आप हक पे बोलते हो, हम नहीं बोल पाते, आप हमारी आवाज हो, इससे बड़ी बात क्या होगी। है टैलेंट होता है आप में, एक टैलेंट है आप में, एक वो जज्बा जुनून है कुछ करने का, मगर हमेशा हम देखते हैं कि नेपोटिज्म बहुत ज्यादा चलता है बाहर, और बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म चलता है, तो इसको लेकर क्या कुछ ख्याल आते हैं आपके? देखो यार, मैं एक बात मानता हूं कि ये चीज पे रोना ठीक नहीं है, फिर वो शिर्क हो जाएगा। हाँ। कि यार नेपोटिज्म की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा, ये नहीं। मैं, मेरे अल्लाह ने मुझे जितनी इज्जत दी, इतना नाम दिया, आज बड़े बड़े स्टारों के बच्चे को अगर पूछा जाए तो लोग जानते नहीं, लेकिन अल्लाह ने मुझे गली गली में, घर घर में, चप्पे चप्पे में लोग मुझे जानते हैं, इससे ज्यादा अल्लाह क्या इज्जत देगा तुम्हें। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, शौहरत दी है, सेहत दी है, औलाद दी है, मोहब्बत दी है, और अल्लाह से इससे ज्यादा मैं क्या मांगू, बस इज्जत वाली मौत मांगता हूँ मेरे अल्लाह से मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? हमेशा एक वीक पॉइंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। मेरा वीक पॉइंट ही मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। तो कश्मीर कैसा लगा आपको? कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, कश्मीर में बहुत टैलेंट है। मैंने यहाँ के कुछ बच्चों को ब्रेक दिया है, कुछ काम दिया है उनको, किसी को सिंगिंग में दिया है, किसी को एक्टिंग में दिया है, किसी को DOP बनाया है। उमर मीर है, सनम जिया है, फिर मीर सरवर है, ये मेरी वेब सीरीज में सब लोग है। कश्मीर में एक गहराई है, एक डीपनेस है, मुझे अच्छी लगती है। कश्मीर ने बहुत सफ़र किया है मेरे हिसाब से, तो लेकिन अभी जो कश्मीरी यूथ हो गया है वो थोड़ा कमज़ोर सा दिख रहा है मुझे। वजह क्या हो सकती है, आपने ऑब्जर्व किया? मुझे लगता है ये वजह डर है। किस चीज़ का हो सकता है? ये डर है सोशल मीडिया से, जो उन्हें एक खौफ मिल गया है, और ये वो शैतान की तरफ एडवांस जाने की। देखो, मैं हिंदुस्तान के यूथ से ये कहूँगा कि अगर मुसलमान हो तो मुसलमान होने पे फक्र करना, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तुम्हारे मुसलमान होने से तो ऐसे मत कर लेना कि ठीक है यार आप, नहीं, जब हमें प्रॉब्लम नहीं है हमारे किसी हिंदू भाई से या किसी कैथलिक भाई से या सरदार भाई से, तो किसी को भी हमसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हमारे मजहब को खुले में मानना हमारा हक है। अल्लाह पे यकीन रखो, देखो अल्लाह ताला तुम्हारे सारे सपने सारे अरमान पूरे करेगा। एक बार मुसल्ला अकेले में बिछाओ तो सही, बहुत अच्छी, उसके आगे रो तो सही। मुझे ताज्जुद की एक नमाज में उसने, मेरे अल्लाह ने मेरी ना, मुझे इस तरह से फंसाया गया था कि मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग माफिया दिखाया गया था। बिल्कुल। अब ड्रग माफिया को जेल से थोड़ी छोड़ेंगे, तो मुझे निचली कोर्ट ने बेल नहीं दी, फिर हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम ने मेरे को लंबा खींचा। आज तक सुप्रीम का इतिहास है कि
40 दिन में उन लोग जजमेंट दे ही देते हैं। मेरा चला 6.5-7 महीना, मैंने कभी भी अल्लाह से नाउम्मीद ही नहीं हुआ। मुझे जेल में लोग पूछते थे भाई 10 साल लगेंगे, मैंने कहा मेरा अल्लाह अगर मुझे यहाँ 10 साल रखना चाहता है ना तो कुछ सोच के ही रखा होगा उसने। लेकिन मैंने मेरे अल्लाह से मुसल्ला बिछाया, ताजुद की नमाज में मैंने उससे कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला या तो इनकी कैद में रख या तेरी कैद में रख। मैंने कहा मेरा कल बेल है, ये जज मानते हैं कि आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं है उसने, उससे छुड़वा दे मुझे। मैं जो तेरे लिए कर रहा हूं मेरी कोई औकात नहीं है, तूने मुझे चुना है, लेकिन मुझे ये कैद में मत रख। मैंने यहां पे सबकी मदद कर दी जितनी कर सकता था, अब मेरे बीवी बच्चे हैं और मुझे बाहर जाना है, बाहर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों की मेरी जरूरत है, तो मुझे घर भेज दे मेरे अल्लाह ताला। और ताज्जुद पढ़ के हम सो गए तो 10 बजे उठे, 9 बजे हमारा बेल का वो था, 10 बजे उठे तो हमारी मुलाकात आई थी, बोले आपके बीवी बच्चे मिलने आए थे। तो हम दूर से देख के समझ गए, हमने कहा हमारी बेल हो गई, क्योंकि ताज्जुद के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें वो फीलिंग दी कि मैं हूं और मैं ही हूं, आप ही हो। अच्छा सर एक और, वही है मेरा अल्लाह ही है और कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही, शुक्र अल्लाह का कि आप आज लोगों में हो। अच्छा आप बताओ, 10 साल से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, जब से मैंने होश संभाला हूं। पहले तो मैं भी अय्याश किस्म का बंदा था, मैंने हर कंट्री घूम लिया, हर कंट्री की क्लबें देख ली, हर कंट्री की लड़कियां देख ली, हर किस्म के कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, आज भी पहनता, अल्लाह पहनाता है, लेकिन मजा मुझे इसमें नहीं आता। मजा मुझे तब आता है जब इस्लाम पे कोई उंगली उठा रहा हो तो मैं सामने आके खड़ा हो जाऊं और कहूं कि ए हराम खोरो। अभी उन्होंने बहुत ऐसे रखे मेरे जैसे जो बिस्मिल्लाह बोल के बोलेंगे काट दो हमारी गर्दन। सर अच्छा सर आपसे कश्मीरी में कुछ जानना चाहेंगे, क्या कश्मीरी कुछ लैंग्वेज में कुछ सीखा आपने? नहीं अभी वो जो तौकीर मिला था तो उसने कुछ कश्मीरी बोला तो हम बोल जाते हैं, तुम जो भी बोलो हम बोलेंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ एजाज भाई थे, इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बड़े अरसे से इन्हें देखते आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बात करते हैं, जिस तरीके से इनका लहजा है, जिस तरीके से इनका तरीका है, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि सीना ठोक कर बात करते हैं और हमेशा हर बात जो है अपने दम पर करते हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।